तो देखिए, अब विपक्ष क्या परास्त होगा, मोदी का क्या ब्रह्मास्त्र होगा, ये एक बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान भी दिया, जिसको लेकर देखिए पूरे देश में जो खासकर विपक्ष है, जो उनके विरोधी है, उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए पीएम मोदी के बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, और इसी मुद्दे पर न्यू स्टेट संवाददाता ने मंत्री धर्मपाल सिंह से बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री धर्मपाल जी हैं। सर, यूसीसी को लेकर के कल AIMPLB की एक बड़ी बैठक हुई है और अपने ड्राफ्ट तैयार किया उन्होंने, इसके बाद वो अपने ड्राफ्ट सौंपेंगे, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, एक परिवार में दो कानून नहीं चल सकते, पर कानून सबके लिए समान होते हैं, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। कुर्बानी को लेकर के भी मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर इसे कल कहा गया कि जो तय जगह है उसी जगह पे किया जाए, उस पर निश्चित रूप से पहले से जो स्थान तय है कुर्बानी के, वहीं कुर्बानी होनी चाहिए। धर्मांतरण को लेकर के भी रहा कि जो है धर्मांतरण को लेकर के सख्त लहजे में इससे निपटने की बात। देखिए, धर्मांतरण तो एक कानून बन गया है और हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है, कोई किसी से जबरदस्ती न धर्म बनवा सकता और न धर्म छोड़वा सकता। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की और तमाम राय भी हमसे साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। यूसीसी पर जारी